मस्जिद को लेकर जिलाधिकारी मेरठ अनिल टिंगरा ने मुस्लिम धर्म गुरुओं के साथ बैठक की, जिसमें ईद की तैयारियों को लेकर सभी विभागों के अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने कहा कि बकरा ईद को ध्यान में रखते हुए वह सभी से अपील करते हैं कि ईद की नमाज अपने अपने घरों में ही पढ़ें और सड़कों पर कटान न किया जाए। इसके लिए मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी जिलाधिकारी को सहयोग देने की बात कही है। बता दें, आने वाली 1 अगस्त को बकरा ईद का त्योहार है, जिसको लेकर जिलाधिकारी मेरठ ने तमाम थानों के सीओ, थाना अध्यक्ष, एसपी सिटी, एसपी क्राइम, एसपी देहात और तमाम विभागों के अधिकारियों के साथ एक बैठक की, जिसमें सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं को भी आमंत्रित किया गया। इस बैठक में कोरोना का ध्यान रखते हुए निर्णय लिया गया कि जब बकरा ईद की नमाज लोग अपने घरों में ही पढ़ेंगे और सड़कों पर कटान नहीं होने दिया जाएगा, तो बकरा ईद पर सिर्फ बकरे और भैंस की कुर्बानी दी जाएगी। जिलाधिकारी ने पुलिस को भी आदेश दिए हैं कि कुर्बानी देने के लिए जा रहे कटान करने वाले लोगों को न रोका जाए, उन्हें जाने दिया जाए, लेकिन इस बात का भी विशेष ध्यान रखा जाए कि सड़क पर कुर्बानी ना की जाए। तो वहीं जिलाधिकारी ने कहा है कि सभी जगह सफाई कर्मचारी लगाए जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा कूड़ा उठाने वाली गाड़ी मौके पर मौजूद रहेगी, मोहल्ले में चूना आदि का छिड़काव, पानी की विशेष व्यवस्था की जाएगी। सभी को ध्यान में रखकर जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सख्त आदेश दिए हैं। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी प्रशासन को सहयोग करने का वादा किया है। बैठक में मौजूद रहे शहर काजी जैनवल रशीदीन ने कहा, जिस तरीके से जिलाधिकारी ने हमें सहयोग करने का वादा किया है, उसी तरह हम भी वादा करते हैं कि सड़कों पर कटान नहीं होगा और सिर्फ कुर्बानी बकरे और भैंस की ही दी जाएगी। गंदगी ना फैले, उसका भी विशेष ध्यान हम सब लोग देंगे। सर, अपना नाम बता दीजिए, आज किस लिए आज बैठक हुआ, क्या क्या इसमें फैसले लिए? देखिए, मैं शहर काजी मेरठ प्रोफेसर जैनुस्ताजुद्दीन इस वक्त आपके सामने हूँ। आज हम लोग जो प्रशासन ने मीटिंग बुलाई थी उसमें आए थे डीएम साहब, एसएसपी साहब और एसपी सिटी साहब, एडीएम साहब और दूसरे एसीओ, तमाम ये सब अफसरान वहाँ मौजूद थे। यह मसला रखा गया कि कुर्बानियों में, बड़े की कुर्बानी में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी, जैसा कि पहले होती रही हैं कुर्बानियाँ होंगी और बकरे की कुर्बानी भी होगी, और लेकिन कुर्बानियाँ घरों में की जाएंगी और अंदर की जाएंगी, बाहर नहीं की जाएगी। इसके अलावा ये कि नमाज, जैसा कि चूँकि लॉकडाउन होगा तो नमाज उस जिस तरीके से ईद की नमाज अदा की गई है उसी तरह अदा की जाएगी। तीसरी बात यह है कि जो लोग गोश्त काटने के लिए आएंगे, जो कुरैशी हज़रात, उनको उनके आने और जाने में कोई रुकावट नहीं डाली जाएगी और नहायत ही खुशगवार तरीके से ये त्यौहार मिलजुल के मनाया जाएगा। किसी किस्म की कोई नमाज और कुर्बानियाँ दोनों होंगी और उसके गोश्त के तकसीम में भी कोई रुकावट नहीं डाली। शनिवार इतवार को लॉकडाउन रहता है, इसको लेकर? हाँ, ये कहा गया है। हमने ये मालूम किया था कि भाई ये लॉकडाउन रहेगा तो क्या ये जो लोग जानवर लेके आएंगे कुर्बानी के, और या जो क्या कहते हैं कुर्बानी करने के लिए जो लोग कुरैशी हज़रात आएंगे उनमें कोई रुकावट तो नहीं डाली जाएगी, तो ये साफ कर दिया गया कि इसमें कोई रुकावट नहीं होगी। लॉकडाउन के बावजूद भी ये लोग जो हैं, चूँकि ये एक फरीज़ा है, इबादत है, इसको अदा कराया जाएगा।